फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं कच्ची धाम। भीमताल से होते हुए अभी तक नैनीताल नहीं पहुंचे। इसके बाद फिर नैनीताल में जाएंगे। तो पहले मंदिर दर्शन कर लेते हैं और यहाँ का व्यू आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। नज़ारा देखिए, यहाँ का व्यू देखिए, पूरा जहाँ पे देखोगे वहीं पे जबरदस्त। कोई लफ्ज मेरे पास है नहीं कुछ भी बोलने का। पता नहीं यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कोई पहाड़ नहीं है, ये कोई शहर है और यहाँ पे सब नॉर्मल रहते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हो, पूरा का पूरा एक शहर यहाँ पे बसता है। तो चलिए आप लोगों को भी दर्शन करवा देते हैं, मंदिर चलते हैं। देखिए श्री कैची धाम, परम पूज्य बाबा श्री नीव करोची महाराज। तो चलिए देरी मंदिर का रास्ता। किचु प्रसाद नहीं बना? प्रसाद किचु प्रसाद नहीं जाते हो ना? तोरी मंदिर देखिए कितना ज्यादा भीड़ है, देखिए कितना ज्यादा भीड़ है। ऊपर धूप है, यहाँ पे छाव है और ठंड तो बहुत जबरदस्त। चलो इधर से शायद जब पानी आता है तो पानी आता है, गंगा का पानी अभी है नहीं। देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं जो यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं और ये सब अपने आँखों से देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग दर्शन कर लिए हैं। अंदर कैमरा ले जाना बिल्कुल भी मना है, ऑन करने ही नहीं दिया। तो हमने दर्शन किया है और इस मंदिर में बड़े बड़े अंग्रेज भी आए हैं और जो ये बाबा ने बोला वो सच हुआ है, आप एक बार सर्च कर लेना। ये देखिए, ये पूरा मंदिर है, इसके अंदर कैमरा बना है, तो आप लोग आके ही यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ देखते हैं, चाय पानी पीते हैं, फिर यहाँ से हम नैनीताल रवाना होंगे। तो यहाँ का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है। नैनीताल का एक अलग ब्लॉग आप लोगों को मिलेगा, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे घूमते फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, फिर नैनीताल का अलग ब्लॉग शुरू करेंगे।